यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? गुड मैम, हाउ गुड आर इवनिंग यू? मैम. या गुड 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 इवनिंग. जूही एंड युक्ता, लाइक यू गाइस हैव गॉट द लिंक इन द ग्रुप, एंड विद इन दैट ग्रुप यू कैन गेट द क्लासेस. एंड बाय एनी चांस यू फेस एनी डिफिकल्टीज, यू कैन रीच आउट टू मेघा, शी विल हेल्प यू. ओके मैम. ओके मैम. यश, वेयर आर योर फ्रेंड्स? मैम, तनीषा इज इन मीटिंग एंड वेट, आई एम कॉलिंग चिन्मय. ओके, या अब्दुल्ला इज नॉट अटेंडिंग क्लासेस विद यू गाइस. हैव यू गाइस गोन थ्रू द प्रीसी इंफॉर्मेशन? यस मैम, ओके, यस यस मैम. मैम, लेट्स अदर कमिंग. प्रीसीन आप लोगों ने इसी पोर्टल पे पढ़ा या फिर लाइक इस पे लाइक एग्जाम किट में? पोर्टल पे ही मैम. ओके, पोर्टल पे. ठीक है, पोर्टल पे ही ओपन करते हैं मैम. कौन सा क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन का नेम क्या था? सीसी तो था बट लाइक प्रैक्टिस था, क्या था? मैम, एसबीएल प्रैक्टिस एग्जाम 1. प्रैक्टिस एग्जाम 1, इट इज असाइंड. ओके, सो So with this pre-seen information, what do you guys think about the company? Just a quick tour. क्या था क्वेश्चन में, pre-seen में? मैम, सीसी एक लिस्टेड कंपनी है एंड 50% एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं एंड 50% एनईडीज हैं. ओके, एंड ये कंपनी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एंड मेंटेनेंस वर्क वगैरह इनका बिजनेस है. बट देन नाउ दे आर गोइंग इन टू रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. ओके, ओके, नेक्स्ट समथिंग एल्स, मतलब मुझे कुछ और लाइक डिटेल में चाहिए इसके बारे में. क्या हुआ कंपनी में? यस गाइस, सी डोंट वेस्ट योर एंड माय टाइम. आज तो वैसे ही नहीं, आज तो मैं बहुत ही ऑक्यूपाइड हूँ. मैम, नोट्स नहीं बना? बेसिकली मैम, ये सीसी कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करती है, जिनमें इस कंपनी के अंदर जैसे जो एम्प्लॉयज है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनको डिफिकल्टी हो रही है काम करने में. तो बेसिकली तो उनके एक तो उनकी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक तो कंपनी को फर्दर एफर्ट डालने पड़ेंगे. और बेसिकली इनका मेन है गवर्नमेंट के साथ एक रोड बनाने का कंस्ट्रक्शन है, जो दो एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया दो उनको क्रॉस करते हुए जा रही है. तो इस कंपनी में क्या है कि वो क्या कर रही है मैम, क्या वो प्लेन्स पे है या माउंटेन्स पे है? मैम वो माउंटेन्स पे. मैंने ये क्वेश्चन ना पता नहीं कब पढ़ा था.
बट ये मुझे इसका की पता है कि इसमें माउंटेन था। हाँ मैम, इसमें ठीक माउंटेन्स पे वो कंस्ट्रक्शन करना था जो फॉरेस्ट को काटते हुए जाएगा, तो उसमें अपन को फॉरेस्ट का ठीक भी ध्यान रखना है और इसमें अपन को रोड कंस्ट्रक्शन भी करना है, ताकि वहाँ पे जो लोकल आइट है वो बहुत सारी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए। है। और और कुछ यहाँ पर मैम कुछ प्रोटेस्ट मिनिस्टर वाला कुछ है, कुछ की प्रोटेस्ट हुआ बात है। था? यस मैम, यस मैम मैम, इसमें 50% NED से 50% एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और इसमें ऑडिट ऑडिट कमेटी भी है, रेमुनेशन कमेटी भी है। वो चलो वो बातें अभी लाइक अभी साइड पे रखो। क्या इसमें कुछ ऐसी प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन है? लाइक कुछ लाइटनिंग आई गेस इसी क्वेश्चन में था कि लाइटनिंग नहीं थी, पैर स्लिप हो गया यस था। मैम, और ऑयल भी फॉलन था और हाँ ठीक है, इंजर्ड वैन एक्सीडेंट हुए हुआ थे था। राइट। और उसके अलावा हमारा जो रोड है लाइक वो माउंटेन्स को वो करके है, एंड कुछ वो प्रोजेक्ट के लिए जब निकलेगा आई गेस कोई मिनिस्टर है, एंड मिनिस्टर ने कुछ कंडीशंस रखी हैं कि लाइक कुछ सस्ता होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस यस मैम, लो हाँ कॉस्ट प्राइस पे होना चाहिए बेसिकली, एंड ये विद इन द पॉइंट्स, टाइम। ये पॉइंट्स आप लोगों को याद क्यों नहीं है? मैंने अपने टाइम पे व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई डिड द क्वेश्चन उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम के पॉइंट्स मुझे याद है, पॉइंट्स ऐसे पिक किए थे मैंने, एंड हमारे टाइम पे ये प्रीसीन नहीं था, ये क्वेश्चन का पार्ट था। सी लाइक आप लोग जब प्रीसीन पढ़ाने का मेरा पर्पस अलग से यही होता है, रीजन मीन क्योंकि अगर आप अलग से पढ़ के नहीं रखोगे ना, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं रहोगे कि एग्जाम के टाइम पे आपको वो की पॉइंटर्स क्वेश्चन के पिक करके माइंड में रखने हैं, और अगर अब आप पिक करके माइंड में नहीं रखोगे तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम होगा कुछ नहीं। देखो पेपर में ये सेम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, बट पेपर में हमारे पास टाइम अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, आपको टाइप करना है, एंड आई डोंट नो आप सबकी टाइपिंग स्पीड कैसी है, सो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज अगेन एग्जाम प्रेशर। सो जो आप कर सकते हो पहले वो क्या है कि प्री सीन को उसके जो मेन की पॉइंटर्स हैं उसको बाय हार्ट समझो। मैंने आपके सामने अभी पूछा है कि ये कौन से वाला पेपर है, पार्ट 1 पार्ट 2 कौन सा है, मैंने इसको ओपन नहीं किया हुआ रिसेंटली, बट आई नो दैट चलो विद एक्सपीरियंस की हर अटेम्प्ट में एटलीस्ट 3 से 4 बार हम क्वेश्चन ही ओपन करते हैं अलग अलग बैच में, बट स्टिल आपको फिर भी लाइक उसके की पॉइंटर्स को पकड़ना चाहिए। प्री सीन आएगा, मैं प्री सीन को ऐसे ही पकड़ूंगी, दैट इज दीज आर द की पॉइंटर्स विच वी नीड टू कंसीडर। ओके सो मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि जब आप पढ़ो तो आपको ऐसे पढ़ना है कि आपको दोबारा मेरे साथ नहीं पढ़ना पड़े। ओके और कुछ इसमें, और की पॉइंट मैम क्या था इसमें इसमें? इसमें प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट्स भी बनाना है, बट सारे ठीक है कंटेंट्स जो होते हैं प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट्स में वो इंक्लूड नहीं है इसमें। ठीक है। और इसमें आपको एक पॉइंट ये मिला होगा कि जब ये हुआ तो लाइक हमें कुछ शायद प्रेस रिलीज या कुछ ऐसे देना है, एंड उसमें जो हमारा कोई सीनियर पर्सन था वो कहता है कि मैं निकल के चला जाऊंगा एंड मैं एम्प्लॉयज को हार्डशिप बोनस समथिंग कुछ ऐसा दे दूंगा, राइट यस सीईओ ने बोला ऐसा। राइट कोई ऐसा पर्सन था। तो दिस इज आई गेस एवरी इंपॉर्टेंट डिटेल अबाउट द प्रीफिंग। यस मैम, चलिए अब चलते हैं आगे। आपके सामने सेम ऐसी स्क्रीन होगी जहां पर आप मुझे देख पा रहे हैं, वहां पर आप क्या देख पाओगे? अपना टाइम, ठीक है, तो मुझे एक अपना टाइम ही समझ लो कि आपका टाइम नेड़े आ रहा है एग्जाम का, राइट। सो ये अच्छा टाइम जब आप लाइक ACCA बनेंगे। सो आपने कैसे पढ़ना है, लाइक आपने लाइक ये इंफॉर्मेशन पढ़नी है, एंड देन पहले पढ़ेंगे हम इसको, फिर प्री सीन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। आई नो आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग फॉर ऑल स्टूडेंट, बट यस वी हैव सम न्यू स्टूडेंट्स एज वेल, एंड रिमेम्बर दिस थिंग कि आपको बार बार क्या लाइक स्क्रीन से कंफर्टेबल होने जरूरी है, राइट। अब देखो सबसे पहले आपका क्या है, हैविंग फेमिलराइज योर सेल्फ विद सीसी एंड द इंडस्ट्री इन विच इट ऑपरेट्स, प्री सीन इन्फॉर्मेशन यू आर नाउ प्रोवाइडेड विद द फर्दर न्यू इन्फॉर्मेशन Exhibit 1 to 3 टू हेल्प यू टू कम्प्लीट द 3 टास्क। तो क्या है, फॉलोइंग द 3 एग्जिबिट्स अवेलेबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड
ऑफ द स्क्रीन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द केस स्टडी. सो मुझे क्या क्या है मेरे पास अवेलेबल, आउटलाइन कंटेंट ऑफ द पीआईडी एंड द समरी ऑफ द ऑपरेशनल इश्यूज ऑफ द पीआईडी. क्या क्या है पीआईडी के कंटेंट्स, क्या क्या है, मतलब कि मेरे पास इंफॉर्मेशन ये अवेलेबल है. अगेन मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, रिपोर्ट ऑफ द इंटरव्यू विद बीवी ओमेगा लैंड डेली न्यूज़पेपर. फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या अवेलेबल है, इमरजेंसी मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट. अब ये मैंने क्यों पढ़ा, क्योंकि इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना टास्क वन पढ़ेंगे. टास्क वन जब हम पढ़ेंगे सो दैट कि मुझे लाइक हमारे पास जो हमारा टाइम होता था तब क्या होता था, बहुत ज्यादा एग्जिबिट्स होते थे, तो आपके पास सिर्फ 3 एग्जिबिट होते हैं. क्यों, क्योंकि आपका आधे से ज्यादा काम प्री सीन में आ जाता है. अब आपके पास ऑलमोस्ट 1 to 1 एग्जिबिट होते हैं, या फिर जो जिसका एग्जिबिट आपको नहीं दिख रहा मतलब कि प्री सीन से पिक करना आपने, या फिर अपनी जर्नल इंफॉर्मेशन यूज करनी है. तो ये आपके पास 3 तरह के क्वेश्चन दिखेंगे हमेशा क्वेश्चन में, कि डायरेक्टली यूज होने वाला, देन दूसरा कि आप प्री सीन को पिक करोगे, तीसरा कहीं कहीं अपना जो कंसेप्ट है वो अप्लाई करोगे. अब मुझे क्या बोला गया है, एसबीएल में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन हो, कैसे करना है. कई बार ऐसे होगा कि पूरे के पूरे केस स्टडी में आप सेम पर्सन हो, कई बार ये होगा कि आप हर केस स्टडी के मतलब लाइक केस स्टडी के हर टास्क में आप डिफरेंट पर्सन हो. तो आपको ये देख के ध्यान में रख के चलना है कि आप सेम पर्सन का रोल फुलफिल कर रहे हो या डिफरेंट पर्सन का. सो यस यू आर एएल द सीनियर एनईडी ऑफ सीसी. सो सीसी हैज बीन इनवाइटेड टू टेंडर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू रोड इन बीटल एज द प्रेफर्ड पार्टनर ऑफ बीटल गवर्नमेंट. सो कौन हो, आपको टेंडर के लिए इनवाइट किया गया है कि आपको एक न्यू रोड बनानी है, एक बीटल जगह है वहां पर, प्रेफर्ड पार्टनर ऑफ द बीटल गवर्नमेंट. आई गेस आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मुझे हो गया काफी टाइम, क्या इस क्वेश्चन में हम नई कंट्री में भी एंटर हो रहे हैं. आई थिंक नो मैम, ओके सो देन सीसी इज द फाइन सीसी फाइनेंस टीम हैज ड्रॉन अप विद द फाइनेंशियल फोरकास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. हाउ एवर यू हैव डाउट अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू वॉन्ट इट टू बी डिस्कस थ्रू सीसी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, यू आर पर्टिकुलरली कंसर्न विद वेदर सीसी इज एबल टू फुलफिल द क्राइटेरिया स्टेटेड बाय द बीटोल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर. जो मैंने आपको बोला कि इसकी कोई मिनिस्टर है, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है हमारा, उसने कुछ क्राइटेरिया बोला है कि आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करोगे तो जाके आपको हम काम देंगे, अदरवाइज आपको हम काम नहीं दे रहे या कुछ ऐसा ये रूल नहीं मिल रहा है. सो मुझे क्या करना है, प्रिपेयर अ ब्रीफिंग नोट फॉर द बोर्ड. आपको अपनी बोर्ड के लिए ब्रीफिंग नोट बनाना है जिसमें आप क्या करने वाले हो. आपको एनालाइज करना है फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इश्यूज जो कि फाइनेंशियल डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए. ठीक है, कि क्या आपको ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो वाले पॉइंट्स आपको देखने हैं. क्या बनाना है, ब्रीफिंग नोट. एंड आपका रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, वो स्पेसिफिकली कह रहे हैं, बस आपसे ये पूछ रहे हैं कि अच्छा चार एरियाज हैं तो चार में से अच्छा ये फाइनेंशियल वाले, ये नॉन फाइनेंशियल वाले, फाइनेंशियल वाला ज्यादा आ रहा है, अच्छा अच्छा यहाँ से अच्छी बात है, या ये नॉन फाइनेंशियल वाला अच्छा है अच्छी बात है, या फाइनेंशियल वाला कोई कोई पर्टिकुलर एरिया है जो कि अच्छा नहीं है. सो वो क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है जो कि अफेक्ट कर सकता है मेरी डिसीजन मेकिंग को, आपको वो मेंशन करके चलना है, रिकमेंडेशन नहीं देना है. एंड आपका प्रोफेशनल मार्क्स एनालिसिस स्किल के लिए है, आपको वैसे भी फाइनेंशियल एरिया बोला गया है तो मतलब एनालिसिस स्किल वैसे ही आने के चांसेस थे. अब फाइनेंशियल कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं करनी है, सिर्फ मे बी एक कुछ कोई जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, या लिक्विडिटी रेशियो, गियरिंग लेवल, ये कुछ कुछ बेसिक से सिनेरियोज हैं जो कि आपको कैलकुलेट करने हैं. ओके गौरी, फाइन. By any chance, if you feel that you are facing any difficulty in the question, you can reach out to me. And again, the recording access is available on portal. So discuss the difficulty CC may face in fulfilling the criteria stated by demonstrating the OT transport minister. तो एक क्वेश्चन, दो रिक्वायरमेंट. पहला क्या है कि मुझे जब आपका काम एक्सेप्ट करना है कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने, दूसरा ये
कि यस कि मुझे क्या क्या डिफिकल्टीज अराइज हो सकती हैं, जो आपको मिनिस्टर ने कुछ क्राइटेरिया बोला है वो क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए, राइट? अगेन इसके लिए कोई प्रोफेशनल मार्क्स नहीं है। अब बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी? देखो मेरे मतलब मेरे टाइम से मेरी ये अप्रोच रही है, आई डोंट नो आप लोगों को ये अप्रोच सही लगे या नहीं, सो फिर भी मैं बता रही हूँ दैट व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि इतनी सारी स्क्रीन्स ओपन करना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा तो मेरा। और उस टाइम पे बहुत बार क्या होता है स्क्रीन ना फ्रीज होने लग जाती है। अब तो देखो फिर भी उन्होंने इम्प्रूवमेंट दे दिया स्क्रीन में, हमारे टाइम पे बहुत इशू था, फर्स्ट फर्स्ट ही लाइक आया था ये। सो उस टाइम पे लाइक आपको क्या करना है, ब्रीफिंग पेपर बनाना है जिसमें कि एनालाइज क्या करो, एक बार ना क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लो एंड यहाँ पर रख दो ताकि आपको दोबारा से ये नहीं पढ़ना पड़े कि यस कि आपको करना क्या है, कि यस कि इस वाले एरिया में मेरे पास प्रोफेशनल मार्क्स भी है ये भी है। ऐसे छोड़ देना अपने स्क्रीन को एंड इसको बोल्ड कर देना ताकि आपको डिफ्रेंसिएशन पता चल जाए कि ये क्वेश्चन है, ये रह भी गया क्वेश्चन में बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लाइक बाद में डिलीट करना चाहते हो तो आपकी वो है चॉइस है। सो दिस इज हाउ, इससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मेरे को ये करना है। बार बार आपको ये ओपन करने की जरूरत नहीं है, दैट विल सेव योर टाइम। यू हैव टू फाइंड आउट अ सिंप्लीफाइड वे कि किस तरीके से आपका टाइम सेव हो। अब मुझे क्या बोला गया है कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखनी है जिससे कि इफेक्ट हो सकता है। देखो कुछ एरियाज तो मैं देखूंगी पीआईडी से, दूसरे एरियाज लाइक मेरे पास और क्या हो सकते हैं, लाइक पीआईटी का तो मेरे ख्याल से वो है ना, आपको वो उसमें आएगा लाइक इसके लिए आई गेस तो इन्फॉर्मेशन आपकी जो है लाइक प्री सीन से लिंक्ड होगी, बट मैं फर्स्ट एग्जिबिट फिर भी पढ़ देती हूँ कि बाई चांस इसे लिंक्ड हो, बट अकॉर्डिंग टू मी इससे लिंक्ड इन्फॉर्मेशन आपकी एग्जिबिट्स में नहीं आपकी प्री सीन में होगी। सेस आउटलाइन कंटेंट्स ऑफ द पीआईडी, प्रोजेक्ट नेम एंड बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड बिजनेस केस बेनिफिट नहीं, ये आपका उसी से ही लिंक्ड है प्री सीन से। तो जिस जिसने प्री सीन पढ़ा है भाई सबने पढ़ा है, आप लोग कह रहे हो कि हमने प्री सीन पढ़ा है मैम, तो यस मैं फॉर्मेट नहीं पूछ रही आप लोगों से, मैं बस आपसे ये पूछ रही हूँ दैट लाइक कि क्या फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन है। मैं एक बार ऐसे देख लेती हूँ मुझे समझ में आ जाएगा। डिफरेंट कंट्री है ये, जिसने भी बोला था कि ये सेम कंट्री, इट्स अ डिफरेंट कंट्री है, बट हाँ करेंसी सेम है ऑल दो, बट यस कंट्री इज डिफरेंट। यस सो दिस इज योर रिक्वायरमेंट, नाउ डू लेट मी नो कि क्या आपको लगता है फर्स्ट क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल फैक्टर्स। प्री सीन सबके पास है, मैंने जो देखना था 2 मिनट में मैंने देख लिया। मैम इसमें जो लिखा है फाइनेंशियल, इसमें ये भी लिख सकते हैं क्या मैम कि हेयर द गवर्नमेंट विल गारंटी एनी डेब्ट फाइनेंस दैट अ कॉन्ट्रैक्टर नीड्स टू फंड इन दिस प्रोजेक्ट। यस वो, बट ऐसी वाली चीजें ना आप स्टार्टिंग में नहीं लिखते हो, बीच में उससे लिंक करके वर्डिंग आएगा ये पॉइंट, ठीक है मैम, ठीक है? जब आप लाइक पैसों के बारे में बात हो रही होगी उसमें तब लिखोगे, एंड क्योंकि वो कैसे लिखोगे ये भी बता देती हूँ, यहाँ पर हो सकता है कि आपको डेट की नीड पड़े
हाँ जी, युक्ता मैम, जूही, यस, फाइनेंशियल में हम ये डाल सकते हैं कि जो प्रॉफिट मार्जिन कंसीडर किया था बोर्ड ने वो 8% था, तो जो मिनिमम 8% प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए उस प्रोजेक्ट में, तभी हम उसको। आप देखो हो रहे हैं या नहीं, इन्फॉर्मेशन इज गिवन मैम टू यू, हो रहा है, 9.something% है तो बस हो रहा है। यही तो करना है आपने, ऐसे ही तो सोचना है कि लाइक मैंने इसको ओपन किया था, आपने देखा होगा कि मैं स्पेसिफिकली ना फाइनेंशियल में गई, मैंने वहां पर मार्किंग भी की है, देखा आपने? यस मैम, ठीक है, मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं उसमें फाइनेंशियल में से इन्फॉर्मेशन मैं पिक करना चाह रही थी, मैंने ऐसे ही देख लिया, मुझे समझ में आ गया, याद आ गया, क्योंकि इसी लाइक थोड़ा सा तो डिफरेंस रहेगा ना, मुझे तो कम से कम 100 बार एक क्वेश्चन को देखे हुए हो गया, सो इसलिए मुझे पता है, बट आपको क्या देखना है, पहले आप जो भी अपना ब्रीफिंग पेपर का फॉर्मेट बनाओगे, मैं आपको बस, मैं आंसर नहीं बता रही हूँ, मैं की पॉइंटर्स बता रही हूँ, जिस आंसर को आप खुद मेरे सामने लिख के मुझे सेंड करोगे, आई एम टेलिंग यू द वे एंड दैट इज व्हाट आई कैन डू, आंसर मैंने बता दिया, वो तो आपको क्वेश्चन बुक भी बता सकता है, पास्ट पेपर भी बता सकता है, सो आपको क्या करना है ब्रीफिंग पेपर का फॉर्मेट बनाते हुए, कि यस कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमें मिला, थोड़ा सा क्वेश्चन से लिंक करते हुए, ये डिफरेंट कंट्री है जिसमें कि लाइक मेरे पास माउंटेन्स में है, ठीक, फिर उसके बाद आप लाइक फाइनेंशियल इश्यूज, जैसे कि मैं इसको अगर बाय चांस आप वैसे प्रॉफिट वाला आपने कैलकुलेट कर लिया, अच्छी बात है, कोई ऐसा है जिसको बाय चांस ये भी समझ में नहीं आ रहा, तो ये देखो प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट है इतनी, प्रोजेक्ट का रेवेन्यू कितना है, तो 2 मिलियन का इसमें कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इनकम दिखता हुआ, राइट, 2 बिलियन का, सॉरी, सो 2 बिलियन का इनकम दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ, अगेन आप इसको निकाल के अगर आपने देख लिया कि 9% है, जो कि 8% से ज्यादा है, तो बढ़िया है, दैट मीन्स कि ये मेरे करंट जो हमने सोचा था उससे ज्यादा है, तो इसके लिए शेयर होल्डर्स जो है इससे खुश होंगे, क्योंकि शेयर होल्डर्स का अल्टीमेट गोल क्या होता है, कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी देखना, फिर ये तो हो गया एक फाइनेंशियल फैक्टर, अब कुछ और फैक्टर भी बताओ, जैसे आप मुझे पॉइंट बताओगे मैं उसको एक्सप्लेन करना बताऊंगी, मैं पॉइंट आपको नहीं बताने वाली, राइट, आई एम नॉट गोना टू रिवील एनी पॉइंट, यू गाइस हैव टू मेंशन मी योर पॉइंट्स, मैम, टैक्स इम्प्लिकेशन, जो भी प्रोजेक्ट इन्होंने दिया है उसमें टैक्स वगैरह हमने कंसीडर नहीं किया, इन्फ्लेशन कंसीडर नहीं किया है, तो ये ठीक है, पॉइंट्स फाइनेंशियल्स में लिख सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हो, राइट, अब इसी में ही मैं कुछ और ऐड बोल देती हूँ कि इसमें क्या आएगा, कि आपका ये देखो है ना, आपने जो ये टैक्स वाला इम्प्लीकेशन बोला ये बिल्कुल सही बोला, आपके वाले इसमें क्या है कि आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं है, राइट, आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस हो सकता है कि अलग किसी इंडस्ट्री का, तो जो आपने कॉस्ट और वो निकाला है वो हो सकता है सही ना, राइट, जो आपने सही निकाला है वो हो सकता है सही ना, अगेन नेक्स्ट, और जिसके कारण आपका कॉस्ट जो है वेरी कर जाए, आप ये बोलोगे, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में आप देखोगे ये इन हमें इसका नहीं है, हमें प्लेन्स का एक्सपीरियंस है, और जब हम रोड पे जाते हैं और माउंटेन्स में जाते हैं तो मेरी कॉस्ट वेरी करती है, आगे, मैम, एक्सपीरियंस को हम नॉन फाइनेंशियल में भी डाल सकते हैं ना, कि हमें डाल सकते हो, माउंटेनियस रीजन में वर्क करने का एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल डाल सकते हो, उसमें आप डाल के, मैं तो देखो आपको सिर्फ पॉइंट्स अभी बता रही हूँ, फिर अगर आप ये डाल रहे हो तो आप साथ साथ ये भी देखोगे कि उसमें आपको थोड़ा सा जो आपका वो जो मैनेजर जो भी आपका वो पर्सन है कोई मिनिस्टर है, उसने आपको कुछ क्राइटेरिया बोला हुआ है, तो उस क्राइटेरिया में उसने कुछ ये भी बोला हुआ है, जहां तक मुझे अब याद आ गया क्वेश्चन में, कि इसकी उसने ये बोला था कि कम से कम डिस्ट्रप्शन हो, ऑल्दो ये वाला पार्ट वैसे आप सेकंड पार्ट में ज्यादा यूज करना, इस वाले में इसका थोड़ा सा रेफरेंस देना, क्योंकि आपके पास सेकंड क्वेश्चन इसी से ही लिंक्ड है, अगर ना आया था तो आप सारा का सारा डिटेल में दे सकते थे, सो अगेन कि आपको डिस्ट्रप्शन कम करना, तो और मिनिमम टाइम का इसमें क्वेश्चन था, तो हो सकता है कि वो आप फुलफिल ना कर पाओ, क्योंकि माउंटेन्स है, हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं है, अगेन वहां के लिए आपको टीम अरेंज करनी पड़ेगी,
हमें उसका स्किल्स नहीं है उस वाले एरिया में, राइट? अगेन फिर अगर मैं ऐसे वाले प्रोजेक्ट में जा रही हूँ जैसे कि यश का पॉइंट था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस लेना पड़ेगा। ऑल दो आप साथ में लिख दोगे ऑल दो कि गवर्नमेंट जो है मुझे लाइक फंड दे रही है, जो कि ठीक है, बट अगेन दैट कुड बी द रिस्की थिंग, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस नहीं है। आप इसको एक्सपीरियंस को इससे भी लिंक कर सकते हो, बट ये आप इसमें बेनिफिट क्या दे दोगे कि ये प्रॉफिटेबल है और नया प्रोजेक्ट है, नया में जाओगे, नई कंट्री में जा रहे हो, तो हो सकता है कि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज की डोर ओपन हो जाए। कुछ थोड़ा सा अपना पॉइंट भी हमने लिखना है ना, और यस ये तो अभी प्रीसीन का पार्ट है, प्रीसीन वाले में ही अगर मैंने बोल दिया फिर क्या फायदा हुआ? मैम, एज पर प्रीसीन ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है इनका, रोड कंस्ट्रक्शन का, और वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट। तो ये यस नॉन फाइनेंशियल्स में इसे भी हम अब कंसिडर कर इसमें मैं सकते हैं। लिंक करती हूँ, जहां तक आपने ये पॉइंट पिक किया, अब मुझे एक और इससे लिंक पॉइंट याद आ गया। तो ये मेरा रोड रोड प्रोजेक्ट का फर्स्ट प्रोजेक्ट है एंड सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आई गेस इससे पहले वाले जो प्रोजेक्ट थे ना हमने कम वैल्यू पे किए हुए हैं, तो और वो मेरे सेम उसमें किए हुए हैं। ये मैंने एक तो बड़ा प्रोजेक्ट है और न्यू उसमें है, तो वो क्वाइट रिस्की हो जाएगा कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, और अगर वो भी मेरे को डेट लेना पड़ गया इनसे करा लाइक ये उस वाले फॉर्म में करना, तो ये एक पॉइंट इसमें ऐसे बनता है। आगे मैम, इस कंस्ट्रक्शन की वजह से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम होगा, क्योंकि मैम वो वाइल्ड लाइफ वो मैम हार्म कर रहे थे, तो इससे मैम वो कंपनी क्या कर रही है, जब बना रही है तो इन्वायरमेंटल को भी मतलब अपने ध्यान में, इसमें जैसे लिखा ना कि वो इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट पे भी ध्यान दे रही है, तो इट यस कैन इनहेंस द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी ऑल्सो। ठीक है लिख सकते हो। और मैम करप्शन के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें वो ठीक भी है देखना पड़ेगा, और यस बाकी रेजिस्टेंस भी होगा, क्योंकि उसमें मेंशन था कि जो वहाँ के लोग हैं उनको डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, बट हमने ये देखा कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है दैट मीन्स अगर ये रेजिस्टेंस हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स आपके लिए अगेन ये फिर रिस्की एरिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर इन्वेस्ट कर दो और लाइक लोग रेसिस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि लाइक आपको इसमें आगे मिले ही ना काम, यस मैम, राइट? आगे एंड मैम बीटल गवर्नमेंट चाहते कि प्रोजेक्ट जो है वो लो कॉस्ट पे बने, तो क्योंकि ठीक है आ गया है वो पॉइंट, बट लाइक मुझे याद था ये पॉइंट मैंने इसलिए नहीं वो किया, वैसे मैंने इससे कॉस्ट रिलेटेड बोला था आपका कि हमने लाइक प्रोजेक्शन किया और जो कि आगे पीछे हो सकता है, वो मैंने जान करके कंसीडर नहीं किया, क्योंकि आपके पास ना सेकंड पार्ट में ना फाइनेंशियल जो क्राइटेरिया जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का क्राइटेरिया उसके रिगार्डिंग भी है, तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने क्राइटेरिया ही जहां तक मेरी नॉलेज है यही बोला था कि एक तो डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए, जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए लाइक इन्वायरमेंट के रिगार्डिंगली, और चौथा कॉस्ट, यही तीन चार पॉइंट्स थे। तो अगर यही पॉइंट आपने यहीं पे लिख दे तो वो फिर थोड़ा सा आपको इशू होगा। अब सेकंड पॉइंट पे आ ही गए हैं डिफिकल्टीज वाले में, तो उसको जरा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। सो यस डिफिकल्टीज के मैंने आपको हेडलाइंस तो बता ही दी कि हाँ ये तीन चार जो मेरी नॉलेज में हो सकता है, एक आधा और बनता हो, राइट? तो लाइक इनको आप कैसे डील करोगे, मतलब एक्सप्लेन थोड़ा सा। मैम एक डिफिकल्टी ये भी तो हो सकती है कि मैम ये कॉन्ट्रैक्ट जो मिनिस्टर है बना रहा है लो प्राइस पे बना रहा है, और इसमें बोला है कि जैसे ये रोड कंप्लीट होती है तो ये अब तक के सबसे बिग, मतलब इट कैन इनहेंस द बिग बूस्ट टू आवर कंट्रीज इकोनॉमी, का सबसे बड़ा रोड होगा। तो मैम उस पर, तो मैम अगर मैम उस पर अपन लो कॉस्ट डालेंगे तो वो वापस से फ्लडिंग का मैम क्रिएट कर सकता है ना मैम, क्योंकि उस पर अपन कॉस्ट बचा रहे हैं। हाँ फिर आप ये लिख दोगे कि यस कि लाइक मैं इतना क्वालिटी इसमें हो सकता है नहीं दे पाऊँ, हाँ, क्वालिटी से रिलेटेड। वर्ड मतलब वर्ड आपको थोड़ा सा ऐसा उठाना है जिसपे कि आपको लाइक
कि प्रोफेशनली लिखे। नेक्स्ट, मैम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन से रिलेटेड पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि यस लिखना है, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया टाइम कुछ था। बताओ क्या बनाओगे उसमें, क्योंकि देखो मेरे को हल्का सा याद है कि ये कुछ पॉइंटर्स हैं, क्योंकि क्वेश्चंस करते करते। जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन सेट किया है गवर्नमेंट ने, हो सकता है कि हम उसे अचीव ना करें। हो सकता है वो अचीव ना कर पाए, क्यों ना कर पाए उसके पीछे का रीजन देखते हैं। लाइक आई गेस ये माउंटेन्स है ना, तो यस लाइक ऐसे वाले एरियाज में इन्वायरमेंट का लाइक हमें नहीं आइडिया लगता कि लाइक कि हमने जितना प्लान किया है, कई बार मुझे एक आधी रोड आगे पीछे कट करनी पड़ जाती है, और हमें डिस्ट्रप्शन भी कम करनी है, और वहां पर आई गेस मौसम भी कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर ऐसे वाले एरियाज होते हैं लाइक माउंटेन्स में, हर जगह पे ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है ना, तो फिर वहां पर क्या होगा कि जो मैंने प्लान किया है वो हो सकता है पूरा ना हो पाए, या फ्लडिंग। आगे मैम, जैसे मिनिस्टर ने बोला है कि ये प्रोजेक्ट एकदम जल्दी जल्दी बनाओ, तो मैम इसकी वजह से मैम जल्दबाजी में प्रोजेक्ट भी तो मतलब फेल होने के चांसेस हैं। वो आप एक बार ना क्वालिटी वाला पॉइंट एक बार लिख चुके हो, तो एक क्वालिटी एक टाइम, तो वो बार बार सेम पॉइंट पे आप नहीं बोलो, अच्छा ठीक है मैम। मतलब वो ना रेपिटेशन सी फील होती है। यस मैम हम इसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं, जैसे हमें एक्सपीरियंस नहीं है तो हम माउंटेनियस रीजन में अगर ऑपरेट करेंगे तो उसमें कोई इक्विपमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट फ्रेंडली ना हो। बिल्कुल लिख सकते हो कि इन्वायरमेंट को हो सकता है कि डैमेज हो जाए, जितना हमने सोचा था वो ना हो पाए वैसे। नेक्स्ट, यस यस आई एम लुकिंग फॉर यू नो सम गुड इन्फॉर्मेशन। उसने बोला कि डिस्ट्रप्शन इतनी नहीं होनी चाहिए, हो सकता है डिस्ट्रप्शन हो जाए। उसने बोला टाइम जितना है उतना टाइम ना हो पाए, मतलब हो जाए। अगेन कॉस्ट के रिगार्डिंगली पॉइंट किए कि उन्होंने बोला कॉस्ट कम रखो, कॉस्ट कम रखेंगे तो क्वालिटी पे इम्पेक्ट हो जाएगा। अगेन फिर कॉस्ट कम है तो अगेन मेरे प्रॉफिट मार्जिन पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, फिर हो सकता है मेरे लिए वायबल ना हो एक्सेप्ट करना। अगेन फिर मुझे हो सकता है इसके लिए लोन वगैरह लेना पड़ जाए, कॉस्ट सेलिंग हम ऐसे कर सकते हैं, है ना। हो गए पॉइंट्स। यस मैम मैम, कॉस्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये एक पॉइंट डाल सकते हैं। पे बोल तो दिया यही कि हो सकता है कि मेरे लिए बेनिफिशियल ना हो, राइट। ओके सो ये हो गया मेरे टास्क के मतलब एक क्रक्स है ना, जो हमने डिस्कस किया। बट अगेन लिख के आपने मुझे देना है, एंड विद प्रॉपर क्वालिटी, जैसे कि आपका जैसे आपका होता है कि क्वेश्चन सेलिंग। अगेन एक किस्म का ये देखो, आपको मैंने मॉक स्टूडेंट्स आप लोगों को मॉक हमने प्रोवाइड करना है, बट उसमें भी मैंने इवैल्यूएट करना है, ये भी मैं इवैल्यूएट ही करके दे रही हूँ। सो बट यस फॉर मी इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू हैव गुड रिजल्ट्स। सो तो वो जरूरी है, मॉक लिखने से पहले आपको एक बार लिखना आना चाहिए। सो नेक्स्ट थिंग आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैं गई टास्क टू में। CC has been awarded a contract to build the road in Bidar. It is now January 2022. Planning for the project has started. You are passing a consultant employed by CC board. JI has just been appointed as a project manager as the original project manager left CC suddenly 1 month ago. OW, a junior member of the project team, began to draft the project initiation document, the time when no one acting as a project manager.
Prior to Jay starting her role, Olivia has prepared you with a review of the outline contents of the PID and a summary of the sections of the operational issues affecting the project. So उसके बाद मुझे क्या करना है? अब बनाना है एक मेमो एड्रेसिंग टू ओडब्ल्यू विच क्रिटिकली अवेलुएट्स. तो जब क्रिटिकली अवेलुएट्स आ जाए, चांसेस क्या होते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जो कि यही पूछा गया है. सो क्रिटिकली इवेल्युएट द आउटलाइन कंटेंट्स एंड द समरी ऑफ ऑपरेशनल इश्यूज इन द प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट व्हिच हैज प्रिपेयर्ड एंड रेकमेंड द इम्प्रूवमेंट. तो बेसिकली मुझे क्या करना है, एक लेटर लिखना है, मेमो लेटर एक ही बात होती है. सो टू ओलिविया, एंड मैं कौन हूँ, जो भी हूँ, क्वेश्चन में पिछले वाला ही है, मैं वही हूँ, पैट सिंह हूँ. ठीक, तो आपको क्या करना है, उसको बनाना है, ये कंटेंट्स को फॉलो करते हुए एक लाइक सब्जेक्ट लिख के, डेट लिख के, एंड यस, फिर जब भी हम मेमो या लेटर लिखते हैं, किसी रिस्पॉन्ड में लिखते हैं, तो ये थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, दिस 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 ऐसा कुछ लिखते हुए आप जाएंगे. फिर आप अपने कमेंट्स, जो भी अपने ये पीआईडी के बारे में या फिर उसके बारे में लिखोगे. अब देखो क्रिटिकल इवैल्यूएट्स है, वैसे तो ये स्केप्टिसिज्म स्किल है, तो स्केप्टिसिज्म ये नहीं हमें पत्थर मारने तुमने गलत किया. नो, आई हैव टू स्टार्ट विथ सम पोलाइट टोन एंड आफ्टर दैट अगेन इन द प्रोफेशनल वर्डिंग आई हैव टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स इन द गिवन पीआईडी एज वेल एज द समरी ऑफ ऑपरेशनल इश्यूज. सो अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, यही वाला पढ़ूंगी, जो पीआईडी वाला पोर्शन है वही पढ़ूंगी. प्रोफेशनल स्किल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्केप्टिसिज्म स्किल्स इन डिस्कसिंग द शॉर्टकमिंग विद द आउटलाइन कंटेंट्स एंड समरी ऑफ ऑपरेशनल इश्यूज इन द पीआईडी एंड रिकमेंडिंग अप्रूवमेंट. तो हमें क्या करना है, इसी को ही पढ़ना है, राइट? इसको पढ़ के हम क्या कर रहे हैं, आउटलाइन कंटेंट्स ऑफ पीआईडी. तो हम क्या कर रहे हैं, आउटलाइन कंटेंट्स हमने पढ़ा, एंड लाइक प्रोजेक्ट सेम इन बैकग्राउंड, राइट? इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, बिजनेस केस, तो ये सारा क्या है, आप लोगों को मैंने पीआईडी का फॉर्मेट दिया हुआ है कि उसमें क्या क्या आएगा. फिर उसमें ऑपरेशनल इश्यूज क्या है, पर्सनल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, फिर समरी ऑफ ऑपरेशनल इश्यूज, राइट? एंड देन उसके बाद ये डार्क डार्क से ये मेरे पास स्टेज 1, 2, 3, 4 कलरिंग वाइज अवेलेबल है, एंड चारों स्टेजेस के बारे में कि यस ये वाली स्टेज है, ये डार्क है, ये कम है, ये मतलब इससे मेरा शेडिंग किया हुआ है डिफरेंस के लिए. एंड देन उसके अलावा मेरे पास नीचे मेन रिस्क दिए हुए हैं कि रिस्क के बारे में डिटेलिंग है कि यस कि हमारे पास हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड रिस्क है, कि यस कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनुअल करें उससे मतलब मैनेजमेंट के लिए, स्टाफ ट्रेनिंग करें, इंटरनल ऑडिट, इंस्पेक्शन, सेफ्टी, ऑन साइट प्रोसीजर्स एंड सप्लाई चेन के लिए मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि यस मैं कॉम्पिटिटिव टेंडरिंग कर सकती हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकती हूँ. अगेन मैं इन्वायरमेंट के रिगार्डिंगली इन्फॉर्मेशन कंसिडर कर रही हूँ, एंड अगेन मैं एनर्जी कंजर्वेशन मेजर कर रही हूँ, कार्बन एमिशन कर रही हूँ. तो ये कुछ और इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई. अब आपके सामने अगेन मैं इसको छोड़ ही रही हूँ, राइट? थिंक अबाउट दिस एंड कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव बोलते हुए फिर नेगेटिव बोलना शुरू हो जाना है, बट यस विथ प्रॉपर टोन, एंड यस मेक श्योर दैट यू ऑल नो व्हाट आर द फॉर्मेट्स ऑफ पीआईडी एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर टू बी इंक्लूडेड इन पीआईडी. वन मार्क पर पॉइंट, आप इसको वैसे एक लाइन का 1 मार्क होता है, अब यहाँ पर एक 2 मार्क पर पॉइंट कंसीडर करके चलेंगे. एंड पॉइंट मतलब एक सिंगल लाइन पॉइंट, एक छोटा सा पैराग्राफ टाइप. यस
मैम प्रोजेक्ट टीम के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रोजेक्ट ठीक है, करेक्ट। मॉनिटरिंग और गवर्नेंस भी मिसिंग है कि हम कब मॉनिटर करेंगे। करेक्ट। अब ये जो आप मुझे पॉइंट्स बता रहे हो ना, ये पॉइंट्स आपने थोड़े से एक्सप्लेन करते हुए बताने हैं कि गवर्नेंस में हम क्या बताते हैं कि कौन किसको कब गवर्न करेगा, टीम में कि कौन कौन सी टीम के मेंबर्स हैं एंड किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ठीक, अगेन नेक्स्ट। वैसे एक बात बताऊं, आपके पास प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग से आपके पास ना पीआईडी का प्रॉपर स्ट्रक्चर है, तो उसमें हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था कि पर्पस हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो भी आपके पास लाइक ये अवेलेबल नहीं है डिटेल में। है देखो, इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड है, पर्पस ऑब्जेक्टिव जैसी बातें तो नहीं है उसमें, यस मैम। नहीं है ना। देन मैम इसका अगेन ड्यूरेशन वगैरह भी नहीं है। देखो, इन्होंने टाइम और कांस्टेंट सिर्फ ऐसे लिखे, आप ना ऐसे बोलते जाओगे कि इन्होंने सिर्फ ऐसे ही टाइम एंड कांस्टेंट बताया, बट ये इनको ये बताना चाहिए कि प्रोजेक्ट किस ड्यूरेशन में होने वाला है, ड्यूरेशन के रिगार्डिंग भी हमने अजम्पशंस क्या ली हैं, आप ये बता के चलोगे लाइक कि कितने कितने स्टेज में काम होगा या पैसा कैसे आएगा, आप ये बोल के चलोगे आगे। मैम जैसे कॉन्स्टेंट है, सॉरी कॉस्ट कॉन्स्टेंट है, तो जैसे कि इन्होंने कॉन्स्टेंट बोल दिया, तो कॉस्ट कॉन्स्टेंट कॉस्ट के रिगार्डिंगली क्या कॉन्स्टेंट है, एंड यस कि उसके लिए हम रिसोर्सेज कहाँ से लेके आएंगे, कितने चाहिए, लॉन्ग टर्म फंडिंग शॉर्ट टर्म फंडिंग, तो ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है डिटेल में आगे। मैम इट माइट बी पॉसिबल दैट ऑल रिस्क आर नॉट कवर्ड, क्योंकि दो तीन यस रिस्क के लिखा हुआ है उसमें। यस, ये बिल्कुल ठीक बोला आपने कि यस इसमें हो सकता है सारे लाइक रिस्क जो है कवर नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऑल दो आप ये थोड़ा सा बोलते ही जाओगे, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा बोला हमने कि इसकी ऑल दो देखो इन्होंने ये सारे रिस्क लिखे हैं, हेल्थ सेफ्टी सप्लाई चेन एनवायरमेंट रिलेटेड रिस्क ये लिखे हैं, बट यस कि आपको लाइक रिस्क अगेन इनके रिगार्डिंगली आपके पास प्रोबेबिलिटी नहीं है, तारा मॉडल पढ़ा ना यूज कर लो, कि यस कि हमें यही नहीं पता कि कौन सा रिस्क कैसे अराइज हो सकता है, इसकी इंपॉर्टेंस वाइज हमें कुछ नहीं पता। अगेन इसमें आई गेस कम्युनिकेशन के बारे में भी कुछ नहीं लिखा, कौन किसको कैसे कम्युनिकेट करेगा, किस टाइम ड्यूरेशन में करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कम्युनिकेशन होना, राइट। मैम प्रोजेक्ट मैन, हाँ जी स्टेक होल्डर्स आर नॉट कवर्ड। यस, प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स आर नॉट कवर्ड, स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं एंड कौन से इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, हमें वो कंसिडर करके चलना है। मैम इस प्रोजेक्ट में रिस्पॉन्सिबल कौन होगा अगर कुछ भी गलती हो तो? इन्होंने वैसे लाइक अपा ये कहेंगे कि इन्होंने जस्ट सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बता दिए कि ये पर्सोनल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट स्पॉन्सर और प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने ये नहीं बताया। मतलब देखो क्योंकि लाइक हमें ये बता के चलना है कि यस इन्होंने ये बता दिया, बट क्या उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, अगेन डेलीगेशन है या नहीं है पावर्स की, तो मतलब कुछ ये पॉइंट्स आपने बताने जो कि हाँ हमारे मैम, इसमें थ्योरी। अपन ये भी लिख सकते हैं कि कैसे प्रोसेस में ये नहीं बता रखा कि कौन अपन बोर्ड से डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा, कौन कम्युनिकेशन में ये बता ही हाँ चुकी हूँ आपको कि कम्युनिकेशन पॉइंट इसमें नहीं है, जैसे मैनेजर डे टू डे एक्टिविटी करेगा वो उसको यस तो वो रिपोर्ट करेगा। कम्युनिकेशन में ही कवर होगा कि इसकी कम्युनिकेशन कब कैसे किया जाएगा। डन, मैम इसमें यस युक्त। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग की भी बात नहीं हो रही। मैंने मॉनिटरिंग कवर नहीं किया क्या? चलो अगर नहीं किया तो लाइक मॉनिटरिंग की भी इसमें बात नहीं है, वैसे आई गेस हमने स्टार्टिंग में ही मॉनिटरिंग की बात की थी, आई गेस युक्ता और जुहिमी से किसी एक ने मॉनिटरिंग के बारे में ही बोला था। तो मॉनिटरिंग कंप्लीशन कैसे होगा ये सारा कुछ उसमें नहीं प्रोवाइड, तो हो गया सब, मिल गए पॉइंट्स, या गाइस एनीथिंग। देखो मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, वो आप मुझे लिख के दोगे, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ दैट यस दीज पॉइंट्स यू नीड टू कंसीडर, लैंग्वेज ही तो आपने मुझे दिखानी है। मैं लिख के दे दूँ वो तो फिर कैपलन की लैंग्वेज है, पास्ट पेपर की लैंग्वेज है, देख सकते हैं आप। नाउ नेक्स्ट क्या बोला गया, यू हैव नाउ कंसेंट कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू रोल इन द बीटल, यू आर द पैट सिंह अ कंसल्टेंट एम्प्लॉयड बाय सीसी बो, बीबी चीफ एग्जीक्यूटिव हैज आस्क्ड हिम टू प्रिपेयर हिम द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग व्हिच विल डिस्कस इन द इन्वेस्टमेंट इन द बिग डेटा एनालिटिक्स एंड ऑफरिंग द लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट फॉर द रोड इन द ओ ए एंड बी, प्रिपेयर करो दो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स टुगेदर विद द अकंपनिंग नोट्स फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव टू प्रेजेंट द बोर्ड व्हिच
डिस्कस द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट टू सीसी इन्वेस्टिंग इन द बिग डेटा एनालिटिक्स, इवैल्यूएट द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज टू अंडरटेक द इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट ऑफ रोड इन 3 कंट्रीज. यहाँ पर मेरा स्किल जो कवर होने वाला है, कम्युनिकेशन स्किल होने वाला है, कम्युनिकेशन स्किल, दैट मीन्स आई हैव टू एड्रेस द पीपीटीज वेरी केयरफुली. लेट मी हैव अ लुक कि लाइक बिग डेटा के बारे में नेक्स्ट वाले में है. यस. सो देखो नेक्स्ट वाला बिग डेटा से लिंक मैंने बिग डेटा ही पिक किया. सो इस बिग डेटा हेल्प सीसी गेन स्ट्रेटजिक एडवांटेज, मुझे बोला गया है सीसी विल बी एट द फोरफ्रंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन सेक्टर इन ओमेगा लैंड यूजिंग द बिग डेटा टू गेन द स्ट्रेंथ एडवांटेजेस अकॉर्डिंग टू चीफ एग्जीक्यूटिव डीवी. वी विल मेक फुल यूज ऑफ इट्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन ट्रैफिक वॉल्यूम एंड रोड कंडीशन टू रन ऑन ऑपरेशन एफिशिएंट एंड सीज न्यूज अपॉर्चुनिटीज टू इनहांस द शेयर होल्डर्स वेल्थ. सो मिस्टर वी विशेस सीसी टू डेवलप बिग डेटा कैपेबिलिटीज अलोंग साइड इट्स करंट स्मार्ट साइट इनिशिएटिव. ही बिलीव इनहांस बिग डेटा कैपेबिलिटीज विल हेल्प सीसी टू गेन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट विच आर बिकमिंग अवेलेबल. सो प्रीवियसली गवर्नमेंट ऑफ ओमेगा लैंड ए एंड बी हैव मैनेज देयर कंट्रीज न्यू रोड देमसेल्फ ओनली यूजिंग कंपनीज लाइक सीसी फॉर स्पेसिफिक मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क. सो नाउ हाउ एवर द गवर्नमेंट आर लुकिंग टू सब कॉन्ट्रैक्ट देयर मैनेजमेंट इन सम ऑफ देयर रोड नेटवर्क टू प्राइवेट सेक्टर पार्टनर हु विल प्लान मेंटेनेंस एज वेल एज कैरी इट आउट. द प्राइवेट सेक्टर प्लान विल हैव ऑन गोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज ऑपरेशनल ट्रैफिक कंट्रोल एंड सिंगिंग सिस्टम. देयर इनकम विल बी इन द फॉर्म ऑफ लेस फीड पेड बाय गवर्नमेंट और टोल चार्जेस ऑन द रोड यूजेस ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. सो मिस्टर वी इज श्योर दैट सीसी विल बी एबल टू प्रोवाइड वट ईच गवर्नमेंट वॉन्ट्स. सीसी विल प्रोवाइड इंटीग्रेटेड पैकेज ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड सपोर्ट सर्विस देन नॉट नन ऑफ आर कॉम्पिटिशन कैन मैच. वी शैल बी द पार्टनर ऑफ चॉइस ऑफ द 3 गवर्नमेंट्स. नाउ लाइक थोड़ा सा आप पिक कर सकते हो इधर से. वैसे आपने लाइक अपना बिग डेटा मेरे साथ कवर किया ही हुआ है, दैट वट बिग डेटा इज एंड वट आर द लाइक बेनिफिट्स एंड लाइक थ्रेट्स रिलेटिंग टू बिग डेटा. बेनिफिट्स एंड कॉस्ट आपकी एक पीपीटी में होना चाहिए एंड लाइक पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज जो है वो जो जो इस प्रोजेक्ट के बारे में बोला गया है वो लाइक मेरा नेक्स्ट पीपीटी में होना चाहिए. लेट मी शो यू समथिंग. देखो आपको 2 पीपीटी बनाने के लिए बोला गया है. आप चेक करोगे कि आपकी यहाँ पर 2 ही पीपीटीज ओपन हो पाएंगी. स्लाइड वन स्पीकिंग नोट वन, स्लाइड वन स्पीकिंग नोट टू. सो दिस इज हाउ दे प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन. जितना चाहिए वही देते हैं आपको, कंफ्यूज करने के लिए नहीं होता है. सो यस, एक स्लाइड में बिग डेटा के रिगार्डिंगली एंड बिग डेटा जैसे आप कैसे लिखोगे इसको, स्लाइड को ओपन करना है. फर्स्ट वाली स्लाइड बिग डेटा एनालिसिस या फिर एनालिसिस ऑफ बिग डेटा. ठीक, अब इसको आप बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना मत भूलना. बोल्ड कर सकते हो आप इसको सेंटर अलाइनमेंट भी कर सकते हो, सुंदर लगता है. अगेन सेंटर में नहीं करना तो आप लाइक इसको नॉर्मल में भी रख सकते हो. इसका साइज आप थोड़ा सा लाइक बढ़ा देना तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इट्स 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 जस्ट अ हेडिंग थिंग. देन अगले वाला आपने लाइक कॉस्ट के रिगार्डिंगली एंड कॉस्ट के एक दो पॉइंट्स एंड वो पॉइंट्स हम बुलेट्स में लिखेंगे. तो ऐसे ऐसे करके आपने कवर करना है. नाउ टेल मी सर्टेन पॉइंट्स रिगार्डिंग बिग डेटा के लाइक क्या बेनिफिट्स हो जाएंगे एंड वट आर द कॉस्ट इफ वी परस्यू द बिग डेटा ऑप्शन. मैम कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा, पर्सनलाइज कर सकते हैं, मतलब हम गवर्नमेंट के प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन भी पिक करो. जैसे इसमें भी मेंशन था कि हम गवर्नमेंट के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, रिलेशनशिप ठीक बिल्ड कर है, सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, एंड ठीक है. और कैसे? हमारी एफिशिएंसी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करके, मतलब लार्ज डेटा यूटिलाइज करेंगे ठीक है, स्ट्रक्चर्ड अब देखो मैनर में इसके तो. ना ऐसे एक एग्जांपल देती हूँ, इसी से लिंक्ड रियल लाइफ एग्जांपल है.
जब हम बिग डेटा मतलब कि रियल लाइफ टाइम में हम कर सकते हैं ना, तो लाइक आप गूगल आप यूज करते होगे, गूगल मैप्स कभी, तो हम जब वो करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, या वेदर कहीं किसी पे जाना होता है लाइक, है ना, जैसे मैंने कभी कहीं ट्रैवल करना है तो मैं क्या देखूंगी कि यहाँ का वेदर इस टाइम पे कैसा है, क्या मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ होता है ना। यस मैम, तो दैट विल गिव मी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर भी यही इंफॉर्मेशन पैराग्राफ जो मैंने पढ़ा था वैसा ही गिवन था, दैट विल सेव माई टाइम राइट, यस डिस्ट्रप्शन कम मैम, होगी, कहाँ पर लाइक कहाँ पर जहां पर मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है वहां पर मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगी तो डिस्ट्रप्शन कम होगी। अगेन अब कुछ इसके कुछ एक आधा कुछ कॉस्ट रिलेटिंग भी बोल ही दो आप, क्योंकि ज्यादा पॉइंट्स नहीं देने होते हैं, 4 पॉइंट्स वहां 4 पॉइंट्स वहां, क्योंकि 8 मार्क्स का है। सो अगेन लाइक अगर कॉस्ट के रिगार्डिंगली इसमें मैं बात करूं कि देखो एक बार पे ऐसा वाला सॉफ्टवेयर लगाने में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हमारी आएगी, टेक्निकल कॉस्ट आएगी टेक्निकल कॉस्ट आएगी, ठीक है, और मे बी स्टाफ को ट्रेन, इंटीग्रेशन करना विद द ठीक है। सिस्टम, उसके साथ इश्यू है। एंड वन मोर थिंग, लाइक आप यहाँ पर जो कॉस्ट लिखोगे, कॉस्ट आप पैराग्राफ में नहीं लिखोगे, पीपीटी में हमारी एक छोटे छोटे पॉइंटर्स ही बनते हैं, उसके बारे में डिटेल में नीचे लिखोगे, कॉस्ट लिखो या जो भी लिखो, मतलब आप जब भी पीपीटी बना रहे हो उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आप पीपीटी में नहीं देते हो, उसके नीचे वाले जो नोट्स होते हैं स्पीकिंग नोट्स उसमें लिखते हो। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है, फाइन। यस मैम, ओके तो नेक्स्ट नेक्स्ट वाला एरिया, इवैल्यूएट द पॉसिबिलिटीज पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज टू अंडरटेक द लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट ऑफ रोड इन द 3 कंट्रीज, और ये उसमें से ही है लाइक मैं ओपन कर देती हूँ उसको भी, मैम एडिशनल रेवेन्यू ठीक है, बोल एंड देन सकते हो, एनहेंस कॉरपोरेट इमेज, क्योंकि हम गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अभी वैसे आप लाइक अपॉर्चुनिटीज टू लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, आगे और इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो देखो रोड बनेगी, अभी रोड नई रोड्स बनती है तो उससे क्या फायदा होता है गवर्नमेंट इकोनॉमी रिलेटेड बूस्ट होगी। प्रोजेक्ट्स में, इकोनॉमी जैसे कि ये लाइक जब अपने यहाँ पे लाइक हमारे यहाँ पे एक न्यू रिसेंटली एक ऐसे ही हाईवे सा बना दिया एंड उसके बाद क्या होता है टोल्स, होता है कि नहीं लाइक यू नो रिसेंटली आई लाइक आई यूज्ड टू विजिट गुजरात फॉर टीचिंग थिंग, सो लाइक आई आई जस्ट सॉ द अटल ब्रिज समथिंग उसका नेम है, तो उस ब्रिज में कुछ नहीं है, सुंदर सा ब्रिज है, बट ब्रिज पे चलने के लिए वो उनका लाइक ब्रिज पे चलने के लिए ही सिर्फ है, कुछ नहीं कि इधर से उधर बस जाके फोटो कराने वाला ब्रिज है, उस ब्रिज पे चलने के लिए हमें मतलब 150 रुपीज की टिकट देनी पड़ती है मिनिमम, मतलब ऐसे, तो एक किस्म का लाइक इनकम रिसीविंग रेवेन्यू जनरेशन, जैसे कि आपने बोला मैं उसके अंदर का इंटरनल एरिया बता रही हूँ, ऐसे यहाँ पर रोड्स भी आएंगी तो रोड्स पे भी तो रेवेन्यू टोल्स वगैरह इसकी फॉर्म में आएगा, कैसे आएगा रेवेन्यू वो बताना है आगे। ओके रेवेन्यू लाइक ठीक है आगे, और थोड़ा सा इसी से ही पिक करो, कहीं इधर उधर मत जाओ, मैम ये जो सेकेंड लास्ट लाइन है, सीसी विल प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड पैकेज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड सपोर्ट सर्विसेज दैट नन ऑफ आर कॉम्पिटिटर्स कैन मैच। यस, तो ये कॉम्पिटिटर्स के उसमें कॉम्पिटिटिव एज बढ़ेगा हमारा। यस, वैसा हम लिख सकते हैं। हाँ हमने वैसे आप में से किसी ने भी कॉम्पिटिटिव वाला पॉइंट बोला था तो आई थॉट कि आप लोगों ने इसी से ही लिंक करके बोला है, बट हाँ वो कॉम्पिटिटिव एज बोल के यही वाला पॉइंट अंदर डिटेल में आप लिख सकते हो। मैम इट ऑल्सो मैम इससे प्राइवेट कंपनी भी मैम जुड़ी हुई है मैम, तो इट कैन क्रिएट गुड इमेज, मीन्स व्हाट वी कैन से इमेज प्लीज ना, दोबारा मत बोलना, आई एम नॉट सेइंग इमेज, मीन्स गुड बॉन्ड विद दैट कंपनी, आई गेस नो। ठीक है, गुड बॉन्ड एज इन क्या होगा उससे,
कंपनी से अगर बॉन्ड बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? नहीं मैम छोड़ो, गलत है मैम, ठीक है। अरे नहीं देखो, पॉइंट पॉइंट आप मेरे सामने नहीं रखोगे तो फिर आप पेपर में नए पॉइंट कहाँ से रख पाओगे? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, हो सकता है कि आप कुछ ऐसे पॉइंट चूज कर दो। देखो कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं कई बार कि वो ऐसे पॉइंट्स बोल जाते हैं जो कि मैं भी नहीं सोच सकती। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि आप बोलो नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि मेरा दिमाग उस टाइम तक नहीं जा रहा जो आप बोलने की कोशिश कर रही हो, मुझे जस्टिफाई कर दो। डोंट लूज होप ना मैम। मैम क्रिएट अगर बॉन्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर बढ़ेंगे वन बाय वन, मैम क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा गवर्नमेंट के यस हाँ साथ। कर सकते हो मैम। अगर कंपनी के साथ बॉन्ड बन जाएगा तो आगे के फ्यूचर टेक्स में, मतलब आगे के इनोवेशंस में हम कंपनी के साथ ही टाई अप कर सकते हैं। यस एंड शेयर होल्डर्स के वेल्थ भी एनहेंस हो रहा है, इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, बस इतनी ज्यादा और पॉइंट्स मत बोलो, इनफ है। ठीक है, एंड उसके बाद क्योंकि सी हमें चार चार पॉइंट्स ही लिखने हैं। इसी का नेक्स्ट कोई पोर्शन था? नहीं, अब आप आएंगे टास्क थ्री में। टास्क थ्री के आगे मेरी हैं तीन रिक्वायरमेंट्स। सो अब देखो मुझे क्या बोला गया है। यू आर नाउ इट्स नाउ जुलाई 2022, 3 months आफ्टर सीसी बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू रोड इन बीटल। यू आर द पैट सिंह, अ कंसल्टेंट एम्प्लॉयड बाय सीसी बोर्ड। यू हैव जस्ट लेफ्ट द इमरजेंसी मीटिंग रिगार्डिंग द इंसिडेंट एट द कंस्ट्रक्शन साइट एंड आर रिस्पॉन्डिंग टू द रिक्वेस्ट मेड बाय सीसी चेयरमैन आई बी एट द एंड ऑफ द मीटिंग। प्रिपेयर अ कॉन्फिडेंशियल मेमो फॉर आई एम, एंड अगेन कॉन्फिडेंशियल है तो हाईली कॉन्फिडेंशियल करके आपको हेडिंग जरूर लिखनी है, उसके बिना मार्क्स नहीं मतलब कटेगा। सिस आई बी चेयरमैन ऑफ सीसी विच डिस्कस द एथिकल एंड रेपुटेशनल इश्यूज रेज एट द मीटिंग, 10 marks का है। देन अगेन इसी ही हमारे जो क्वेश्चन का पार्ट हमारे पास क्या है कि दूसरा काम मुझे क्या करना है कि अ समरी ऑफ सीसी बोर्ड रिव्यू असेसिंग द कंट्रोल वीकनेसेस, उस क्वेश्चन में वीकनेसेस भी होंगी, डिस्कस्ड एट द इमरजेंसी मीटिंग स्टेटिंग दैट फॉर ईच ऑफ द कंट्रोल वीकनेसेस इट्स कॉन्सिक्वेंसेस एंड रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। तो वीकनेसेस बताओ वहां पर क्या है एंड उन वीकनेसेस से हम बच कैसे सकते हैं या फिर मतलब उनको ठीक कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें रिकमेंडेशन देना है। एंड फॉर दिस आई हैव अ प्रोफेशनल मार्क्स दैट इज इवेल्युएशन स्किल। तो इवेल्युएशन स्किल मतलब जस्टिफाइड आंसर प्रोस कॉन दोनों देते हुए जाना है। तो प्रोफेशनल स्किल मेरा ये है, सिग्निफिकेंट कंट्रोल वीकनेसेस के रिगार्डिंग भी है, प्रोफेशनल स्किल बी पार्ट के साथ ऐड है। एंड सी पार्ट में मुझे क्या बोला जा रहा है कि एक ब्रीफिंग पेपर बनाना है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के लिए, जिसमें कि मुझे क्या बताना है सेपरेट रिस्क कमेटी अगर होती है तो उसके क्या एडवांटेजेस है। और मेरे पास यहाँ पर स्किल क्या है, कॉमर्शियल एक्यूमेन स्किल है इन आइडेंटिफाइंग द बेनिफिट दैट वुड बी रेलेवेंट टू सीसी इन एस्टैब्लिशिंग द सेपरेट रिस्क कमेटी। तो ये तीन एरियाज पहले आपको समझ में आ गया आपको क्या करने है? अब पहले वाला क्या है आपका, कॉन्फिडेंशियल मेमो बनाना है तो उसकी हेडिंग आपकी कॉन्फिडेंशियल मेमो ही होनी चाहिए और वो वर्ड प्रोसेसर में ही बनेगा। सो नाउ नेक्स्ट क्या है, इमरजेंसी मीटिंग से रिलेटेड है, हम ये पिक करेंगे। अगेन इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन प्री सीन से जाएगी जो मेरी नॉलेज कहती है। सो यस मुझे मेरे पर्सन के जो है नेम देखने हैं कि यस बीवी लाइक चीफ एग्जीक्यूटिव है, आई एम जो है मेरा चेयरमैन है, ए सी जो है मेरा रिस्क मैनेजर, एंड पैट सिंह क्या है कंसल्टेंट जो कि हम है। सो द मीटिंग बिगेन एट 10 AM। वी ओपन द मीटिंग बाय प्लेइंग अप द क्लिप्स फ्रॉम बीटल्स न्यू प्रोग्राम अबाउट द ब्रेक इन फ्रॉम द अर्लियर मॉर्निंग। तो ठीक है कि ऐसा कुछ ब्रेक इन इंसिडेंट हुआ था, उसकी वीडियो हमने प्ले की। सो अब उसमें क्या चल रहा है कि एक प्रेजेंटर है, प्रेजेंटर में क्या चल रहा है कि यस टू प्रोटेस्टर वर सीरियसली इंजर्ड लास्ट नाइट आफ्टर द ब्रोक इन इन टू वन ऑफ द कंस्ट्रक्शन सेल फॉर द न्यू रोड थ्रू द आई माउंटेन्स। सो द ब्रेक इन इज इन द एस्केलेशन ऑफ द रिसेंट प्रोटेस्टर अगेंस्ट द न्यू रोड। प्रोटेस्टर हैव बीन अनहैप्पी दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू मीट विद बीवी बीवी सीसी चीफ एग्जीक्यूटिव। आर रिपोर्टर आई वी इज आउटसाइड द साइट एंड आई
कैन टेल यू अस अबाउट द ब्रेक इन एंड इंजरीज ऑफ द प्रोटेस्टर. सो हमारा एक रिपोर्टर बाहर है, तो वो हमें बता सकता है कि इस वहां पर क्या हुआ इंसिडेंट में. जैसे होता है ना कि लाइक न्यूज रिपोर्टर पहुंच जाते हैं और वो बताते हैं कि इसकी वहां पर क्या हुआ एक्चुअल में, तो उसके बारे में बात हो रही है. सो रिपोर्टर क्या कह रहा है, इट अपियर्स दैट नंबर ऑफ प्रोटेस्टर क्रिएटेड अ डायवर्शन आउटसाइड द एंट्रेंस विल्स द टू टू सिक्योरिटी स्टाफ साइट्स इन्वेस्टिगेटेड द अदर प्रोटेस्टर ब्रोक इन एल्सवेयर. सो देखो लाइक हमारे पास दिख रहा है कि बहुत सारे प्रोटेस्टर थे, डायवर्जन वो क्रिएट करके रख रहे थे. दो सिक्योरिटी स्टाफ साइट में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, दूसरे प्रोटेस्टर जो है कहीं और से आगे एंड क्लोज वेयर द ब्रेक इन वॉज अटेम्प्टेड लास्ट वीक. फिर उसके बाद नेक्स्ट, ऑन दिस ओकेशन द सिक्योरिटी स्टाफ स्पॉटेड द प्रोटेस्टर एंड प्रिवेंटेड असेस. दिस टाइम हाउएवर, ये पिछली बार की बात है, पिछली बार भी ऐसे हुआ था. दिस टाइम हाउएवर टू प्रोटेस्टर गोट इन एंड इट सीम दैट वन कोलाइडेड विद द वैन ड्राइवर बाय इम्प्लॉय ऑफ सीसी. ठीक है, तो एक एक सीसी के एम्प्लॉयज के साथ उसकी टक्कर हो गई. एंड द अदर प्रोटेस्टर वॉज अपेरेंट बाय अनदर सीसी एम्प्लॉय एंड वॉज सब्सिक्वेंटली टेकन अवे बाय द पुलिस. तो दूसरा वो लाइक सीसी के एम्प्लॉय ने पकड़ लिया और वो पुलिस के पास भेजा गया. नो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सीसी हैव मेड एनी कमेंट अबाउट द लास्ट नाइट इवेंट एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू स्पीक विद एनी ऑफ द एम्प्लॉयज इन्वॉल्व. हाउएवर ही वॉज लेड अवे बाय द प्रोटेस्टर्स हु एज ही वॉज लेड अवे द प्रोटेस्टर हु अरेस्टेड द अरेस्टेड शॉट आउट अबाउट द प्रोटेस्टर इंजर्ड बाय द वैन. सो दे रैन ओवर एंड द वैन डेलिबरेटली वेंट स्ट्रेट हिम एंड द रैन ओवर. तो बेसिकली अगेन लाइक कि हमारे इम्प्लॉयज में से अभी तक किसी ने बात नहीं की, कुछ ऐसा सा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है. क्या बोला जा रहा है, बी आई थॉट दैट शोइंग द न्यूज रिपोर्ट वॉज द बेस्ट वे टू ब्रीफ यू ऑन द वट हैपन ऑल्दो ए फाउंड आउट मोर सिंस. सो ए क्या कह रहा है, I have spoken to employees and the staff from S security from VLAN, which we used, and it seemed that both went to deal with the protest and the main entrance. So, were there only two security staff? I bol rahe. Yes, the contract only state that the security post should be manned at all the time. ये strike through हो गया, wait. ये इसमें option होता है उसको like line cancel करने का. तो गलती से ध्यान से ये मत करना, नहीं हो रहा रिमूव. चलो एनीवेज, सो आई द न्यूज रिपोर्टर मेंशन दैट अटेम्प्ट ब्रेक इन लास्ट वीक, वर यू टोल्ड अबाउट दिस. तो वो कह रहे हैं पिछली बार भी हुआ था, आपको क्या इसके बारे में पता था? सो यस, द सिक्योरिटी स्टाफ सेड दैट दे वुड रिपोर्ट इट टू द मैनेजर बट नो वन फ्रॉम द एस सिक्योरिटी रिपोर्टेड टू कॉन्ट्रैक्टर्स. तो मतलब उनकी सिक्योरिटी टीम से तो हमारे पास कोई नहीं आया. सो वट मोर वी डू वी नो अबाउट वट हैपन वंस द प्रोटेस्टर गॉट इन. तो हमें उसके बारे में और क्या पता है, हमें बताओ, ब्रूटन कह रहा है. सो यस, द प्रोटेस्टर हु वॉज इंजर्ड रैन अक्रॉस अनलिट सर्विस रोड एंड द वैन कोलाइडेड विद हिम. अनलिट मतलब कि वहां पर लाइटनिंग नहीं थी, लाइटनिंग इशू था. ये हमारा कंट्रोल वीकनेसेस में आ सकता है अगेन. सो शुड द एरिया हैव बीन लिट बेटर, आई पूछ रहे. Apparently, lightning was one of those issues picked by LK, our health and safety manager, when he visited site 2 months ago. Staff said that the lightning was going to be fixed before I auditor visit plan for the next week. वो कह रहे हैं लाइटिंग तो उनमें से एक इश्यूज में से है जो कि हमारे लेके हेल्थ एंड सेफ्टी पर्सन ने देखा था एंड उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, ऑडिटर के आने से पहले, इंस्पेक्टर पर्सन के आने से पहले हम ठीक करा लेंगे. तो वो कह रहे हैं वाई एल आई इज नॉट हियर. तो एल आई जो कि मेरा जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर है वो क्यों नहीं है. सो एल आई हैव बीन सिक ऑफ लास्ट 6 वीक, वी हैव टू गेट अ टेम्परेरी रिप्लेसमेंट नाउ टू फिल गेट द लाइक गैप कॉज बाय एल आई एबसेंस. तो वो कह रहे हैं कि वो तो बीमार है, आया नहीं 6 हफ्तों से, हमें उसके बदले कोई और पर्सन ढूंढना पड़ेगा. डिड एल आई सबमिट द रिपोर्ट ऑन द साइट बिफोर ही वेंट सिक, वो पूछ रहे हैं उसने कोई रिपोर्ट दी. I did received, but the point were generally minor. We have had much else to discuss the board meeting recently that I have had chance to report the health and safety issue. कहते हैं हाँ ठीक है, मेरे पास आया था, बट यस मुझे लगा कि मेरे पास और भी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं डिस्कस करने के लिए, तो हमने नहीं डिस्कस किया. वट मोर डू वी नो अबाउट द प्रोटेस्टर हु कोलाइडेड विद द वैन. तो हमें उसके बारे में और क्या पता है.
आई हैवंट स्पोक टू द वैन ड्राइवर येट, बट आई हैव स्पोकन टू द सिक्योरिटी गार्ड हु चेज द प्रोटेस्टर. ही डिड नॉट सी द कोलिजन, ओनली आफ्टर मार्थ. तो कहते मैंने देखो लाइक सिक्योरिटी गार्ड से बात नहीं, सिक्योरिटी गार्ड से बात हुई है जिसने बाद में ये देखा है हिट होने के बाद. हाउ अबाउट द प्रोटेस्टर हु क्लेम टू सी हिज फ्रेंड बींग ओवर. तो आई एम नॉट श्योर वेदर ही वुड हैव बीन एबल टू सी क्लियरली वट हैपन द लास्ट नाइट. सो पुअर ही वुड फॉलन ओवर ऑन द पैच ऑयल विच हैड बीन मॉप. दिस वॉज वाई द सिक्योरिटी गार्ड वॉज एबल टू कैच अप विद हिम. सो भाई वो ये कह रहे हैं कि वहां पर कुछ ऑयल वगैरह था जहाँ मॉप नहीं हुआ हुआ था, तो इसके कारण ही वो पकड़ा गया. यू टोल्ड मी अर्लियर ब्रूटन दैट आर लॉयर्स हैव बीन एडवाइज अस नॉट टू मेक एनी स्टेटमेंट दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड दैट द पुलिस हेल्थ एंड सेफ्टी अथॉरिटीज विल बी लुकिंग टू साइट ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज. तो आपने मुझे बोला कि यस कि इसके बारे में कुछ मत बोलना, चुप रहना, एंड पुलिस वाले इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे. सो दैट्स ऑल करेक्ट. ऑफकोर्स वी शुड नॉट एडमिट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंजरीज. आई विल बी फ्लाइंग आउट टू लीड बीटल दिस आफ्टरनून. वेन आई गेट आउट देयर आई issue a statement saying the press that we regret the injuries, but the protester who trespass on the building sites have only themselves to be blamed. We will ensure that the site is tidied up, light fully on, etc. I'll speak to the staff that these make that they are make sure that all is saying the same thing, and they will get the hardship bonus because of the stress they have had last night. I am fed up with these protesters, the way they are disrupting the contract. वो कह रहा है मैं चुपचाप निकल जाऊंगा यहाँ से, एंड देन वहां पे जाने के बाद नाम लगा दूंगा इनके ऊपर. एंड यस अगेन लाइक हमें अपने पे ब्लेम लेने की जरूरत नहीं है. सब कुछ ठीक करने के लिए हम पीछे बैकएंड पे क्या करेंगे, सब कुछ साफ सुफ कर देंगे एंड अगेन लाइटनिंग कर देंगे, एंड अगेन एम्प्लॉयज को चुप रहने के लिए हम कुछ पैसे जो है दे देंगे. सो यस नाउ बी एंड ए लीविंग द मीटिंग, आई एंड पैट कंटिन्यू द प्राइवेट कन्वर्सेशन. So I am saying I am worried about what B will say and do when he is in Beetle, his attitude to the issue we have discussed. Can you send me a memo before B goes to Beetle setting out your views? You can be as frank as you like. I shall keep the memo confidential. I am not happy with generally how the risk have been managed and the controls have been operating. I would like you to draft a summary of the control weaknesses and how they should be remedied. I want the board to see quickly and clearly what problems are and what we must do. So other companies have separate risk and audit committee rather than a single audit committee like CC. Please, can you prepare a briefing paper for the next board meeting setting out the advantages of having CC a separate risk and audit committee? So this is the whole story कि वहां पर उस रात को इंसिडेंट में क्या हुआ. एंड इस स्टोरी के बेस पे आपको लाइक एक कॉन्फिडेंशियल मेमो बनाना है. मेमो का फॉर्मेट जस्ट इट्स जस्ट लाइक अ लेटर है ना, तो वो लाइक टू फ्रॉम डेट एंड सब्जेक्ट, एंड देन आप किसी बात का रिप्लाई कर रहे हो तो यस आई एम रिप्लाइंग ऑन दिस रिक्वेस्ट, ऐसे बोलते हो जाओगे कि यस रिगार्डिंग लास्ट नाइट मीटिंग एंड जो हुआ एंड एथिकल एंड जो भी कंसर्न के रिगार्डिंगली. तो आप ये मेमो बना रहे हो किसके लिए? चेयरमैन के लिए, जो कि एथिकल और रेपुटेशनल इश्यूज के बारे में डिस्कस करेगा. यस यस गाइस, वी हैव अ लॉट इन दिस क्वेश्चन. वन ऑफ द इजिएस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. मैम एथिकल में तो हम हार्डशिप बोनस के बारे में बता सकते हैं कि एम्प्लॉयज को हार्डशिप बोनस मिलेगा फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट, एंड इससे हमारी मतलब इंटी हम कॉन्ट्रडिक्ट करें क्योंकि हमारी में इंटीग्रिटी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट. मैम रेपुटेशनल में वी कैन से कि प्रोटेस्टर्स चेयरमैन से मिलना चाहते थे बट द चेयरमैन वाज नॉट अवेलेबल सो दिस कैन हाँ, कम अंडर रेपुटेशनल नो इश्यू. नो 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 नो, जो ये हम ये कंसर्न की बात कर रहे हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन में कि यस कि वो पर्सन एक ऐसे स्टेटमेंट बोल के जा रहा है कि यस कि मैं इनके ऊपर ब्लेम लगा दूंगा एंड मैं चुपचाप चला जाऊंगा, ये एथिकली तो है?
मैं चुपचाप चला जाऊंगा एंड उन पे ब्लेम इंटीग्रिटी लगा दूंगा। हार्म नहीं हो रही उस फंडे की। वही कह रही हूँ, तो मतलब वो कह रहा है कि मैं चुपचाप चला जाऊंगा अगेन लाइक बीइंग लाइक यू नो, जैसे कि आपने ये बोला लाइक कि पैसे देना ये भी गलत है, ये भी एथिकल इश्यूज में आ जाएगा। इसी को 2 पॉइंट्स में ब्रेक कर लिया हमने अगेन लाइक मेरे को क्या करना चाहिए? आप ये एथिकल और चॉइस को अलग ना भी करो, एथिकल एंड लाइक रेपुटेशनल इश्यूज कंबाइंड फॉर्म में जाके बोल दो, तो अब फिर पूरी केस को ध्यान से सोचो कि इससे क्या हो सकता है। पहली बात लाइक अगेन, चाहे अगर आप अलग अलग करना चाहते हो तो जैसे कि अभी एक्सीडेंट हुआ है, इस एक्सीडेंट से क्या इफेक्ट हो सकता है रेपुटेशन पे? नेगेटिव इमेज नेगेटिव इमेज हो सकती है, क्यों? क्योंकि एक तो ऑलरेडी हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्टर ऑलरेडी है, एंड अगर किसी को ये पता चल गया कि यहाँ पर कुछ गिरा हुआ था एंड उसके कारण मतलब ऐसे एक्सीडेंट हो गया, सो इसके कारण मेरी रेपुटेशन पे इम्पैक्ट होगा। यस मैम। और मैम लाइटनिंग का भी इशू था। ठीक है, वो नीचे वाले में चाहे अलग से कर देंगे। अगेन जो मेरा एटीट्यूड है लाइक कि मैं अपने प्रोटेस्टर को, जो जैसे आप में से किसी ने कहा था ना कि हम मिले नहीं, वो इस वाले में आप ऐसे बना के लिख सकते हो कि इसकी उनको मिलना ना मिलना, एंड यस जब वो गिर गए तो बीइंग लाइक हेड ऑफ द कंपनी है ना, सीईओ टाइप पर्सन, तो मुझे उनको मिलना चाहिए था एंड मुझे उनसे लाइक पोलाइटली डील करके इसके बारे में उनकी प्रॉब्लम सुननी चाहिए थी। बट रादर देन मैं क्या कर रही हूँ कि लाइक वो क्या कह रहा है कि लाइक मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा, तो मेरा एटीट्यूड जो है वो सही नहीं है बीइंग दैट पर्सन, बीइंग अ गुड लीडर, तो मैं अपने स्टेक होल्डर्स को लेके कंसर्न नहीं हूँ, राइट? यस अगेन हमारे यहाँ पर और जो जैसे ही आपने एक लाइटनिंग वाला जो भी ये पॉइंट बोला, ठीक, तो मैं लाइक हमारे यहाँ पे इंस्पेक्शन वगैरह भी सही नहीं हो रहा, ये वैसे ये पॉइंट्स मैं जान करके यहाँ पर कंसीडर क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो कंट्रोल वीकनेसेस में ज्यादा आएंगे, तो मेरा अपने हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके इतना ज्यादा सीरियस जो है वो नहीं है, अप्रोच नहीं है, हम ये कह सकते हैं। आप ज्यादा उसमें मत जाना क्योंकि वो पार्ट बी में हम करेंगे, कि मेरी सीरियस रिपोर्ट बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न नहीं है, रीजन बिंग क्योंकि लाइक कि हमारा इंटरनल ऑडिटर भी नहीं आ रहा है एंड वो पर्सन नहीं है, छुट्टी पे है इतने टाइम पीरियड से और हमें पता ही नहीं है कुछ। सो पिछली बार भी ऐसा कुछ हुआ था, प्रोटेस्टर आ रहे थे एंड लाइक हमने पता ही नहीं, हमने उसके बारे में कुछ किया ही नहीं, सो दिस इज समथिंग जो कि रेपुटेशनल वाइज सही नहीं है, करेक्ट? यस मैम। अब इसी का ही बी पार्ट जो है हमारा बोर्ड रिव्यू वाला, वीकनेस वाला, तो इसी से इसमें ज्यादा पॉइंट्स आपको इजीली मिल रहे हैं, तो वो पॉइंट्स बताओ। वैसे तो अगेन ऊपर में सबसे बहुत सारे और पहले पॉइंट्स हैं, ऊपर में बहुत सारे पॉइंट है, मैं एडिटर पहले इसके पॉइंट्स लूंगी देन उसके बाद ऊपर के पॉइंट्स बताऊंगी, रीजन में क्योंकि आपके पॉइंट्स ना क्लैश कर रहे हैं। हम सबसे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी रिपोर्ट जो थी वो ढंग से रिव्यू नहीं हुई, ठीक है, निगलेक्ट करेक्ट, कर दी ठीक है, वीकनेस है, गई। इससे क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? हम इससे फर्दर मोर एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं। देखो वो हेल्थ एंड सेफ्टी रिपोर्ट रिव्यू नहीं की गई है तो उसका एक्सीडेंट तो नहीं, हम ये कहेंगे कि इसकी मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मेरी क्या प्रॉब्लम्स है। एक्सीडेंट आप गिरे हुए ऑयल को लेके बोल सकते हो, एक्सीडेंट आप लाइटनिंग को लेके बोल सकते हो, बट रिपोर्ट ही नहीं देखी गई तो कोई यही नहीं देखेगा कि प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि फिर वहां पर क्या पॉइंट लिखोगे, तो हमें कंसीडर करके चलना है ना जिससे लॉजिकल पॉइंट हो। तो फिर अगेन इसमें आपने रिकमेंडेशन क्या दोगे कि कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर है ही नहीं है, एंड अगेन कोई उसको भी आगे रिपोर्टिंग देने वाला कोई पर्सन होना चाहिए कि यस कि हमें ये पता चल जाए कि यस कि एवरी टाइम देयर इज समवन हु इज लुकिंग एट दिस मैटर। नेक्स्ट, मैम इसमें लाइटनिंग का पार्ट नहीं आना चाहिए। हम आएगा आएगा, नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा, क्या बोलोगे? देखो मेरी लाइटनिंग नहीं है, लाइटनिंग होने के कारण ना होने के कारण ये एक्सीडेंट हो गया और वो लाइक यू नो टक्कर हो गई और हम देख भी नहीं पाए है ना, तो लाइक कोई भी वो ये इश्यू हो गया, तो इसके कारण क्या है कि कल को और फ्यूचर एक्सीडेंट हो सकते हैं।
एंड लाइटनिंग के बारे में पिछली रिपोर्ट में भी देखा गया था जिसको किसी ने एड्रेस नहीं किया। तो रिकमेंडेशन क्या करेंगे कि यस की हम लाइक रेगुलर चेक करते रहो कि यस की लाइटनिंग प्रॉपर है, सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है। एंड अगेन एक हेल्थ सेफ्टी पर्सन या कोई ऐसा पर्सन जो है रूटीन पर्पस में जाके चेक करता रहे कि यस की लाइक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल है या नहीं है। अगेन आपका यहाँ पर एक पॉइंट ऑयल के रिगार्डिंगली आएगा। ऑयल का पॉइंट क्या है कि इसकी आपका ऑयल गिरा हुआ था। अब ऑयल गिरे होने से क्या है कि कोई ना कोई और भी गिर सकता है, हमारा स्टाफ भी गिर सकता है और ज्यादा मेजर इंजरी भी हो सकती है। एंड फिर उसके कारण कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। वैसे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हम नीचे लिख देंगे, रहने दो। सो यस कि किसी और को इंजरी भी हो सकती है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी अगेन कि लाइक एक रेगुलर एक पर्सन होना चाहिए जो कि क्लीनिंग के ऊपर ध्यान रखे या फिर उसकी साइट मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान रखे एंड उसका साइट इंस्पेक्शन ऑडिट जो है रेगुलरली हर एक महीने बाद विजिट होती रहे। अगेन इस क्वेश्चन में ये था कि सिर्फ दो सिक्योरिटी स्टाफ वर प्रेजेंट, राइट? वो उसने क्वेश्चन में पूछा भी था, वर देयर ओनली टू प्रेजेंट? तो इनएडिक्वेट नंबर ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ पर्सन प्रेजेंट थे, है ना, जिसके कारण वो पर्सन अंदर ब्रेक इन कर गए। तो मुझे क्या चाहिए कि सिक्योरिटी स्टाफ के ज्यादा पर्सन चाहिए सो दैट कि लाइक कोई अगर ऐसा कुछ इशू हो जाता है तो हम सेव कर सके। कुछ मेजर इंजरी हो सकती थी, एटलीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ स्टाफ पर्सन होने चाहिए, है तो ना? मैम ये पॉइंट भी लग सकते हैं ना कि शाओलिन सिक्योरिटी ने इन्फॉर्म नहीं किया फर्दर। यस, आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि इस पीछे जब ऐसा इश्यू हुआ था तो प्रीवियस वाले लोगों ने हमें रिपोर्ट नहीं किया, कम्युनिकेट नहीं किया, तो यस कि हमें इसके बारे में पता नहीं है। पता नहीं है तो मतलब क्या कहते हैं, हम इसके बारे में कुछ एक्शन नहीं ले पाए। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि अपने जो सिक्योरिटी स्टाफ वाले हैं उनको बोल के रखेंगे कि यस की हर छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल आपने हमें बतानी, नहीं तो हम आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे या रिपोर्ट कर देंगे, कुछ भी ऐसा। अगेन इसी क्वेश्चन में आपको, आपने देखा होगा कि इंटरनल ऑडिटर जो है हमारा, उसकी विजिट जो है लिमिटेड है ना, 3 महीने बाद ऐसे ऐसे करके। तो उससे क्या होगा कि कोई हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट वो जो है सीरियस नहीं रहेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी विजिट जो है बढ़ानी पड़ेगी सो दैट की लाइक दे कंसिडर इट एज एन इम्पोर्टेंट इवेंट, यस मैम, ठीक? बन गए ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स बन गए। अब इस वाले पॉइंट्स को छोड़ के अब बताओ ऊपर के पॉइंट्स। मैंने ये पहले जान करके अब करा दिया, ये सरप्राइज विजिट बोल सकते हो युक्ता आप। अब ये जो पॉइंट्स आपने बोले ना, इनके अलावा कुछ और पॉइंट्स ऊपर के लिए आप बताओ, अब मुझे ज्यादा सूटेबल लगेगा क्योंकि आपके पॉइंट्स मिक्स मैच से हो रहे थे एंड आई डोंट वॉन्ट कि आप ये वाले पॉइंट्स उसमें बोलते। एथिकल इश्यूज में एक और पॉइंट, जैसे कि लाइक दोबारा से रिकॉल करो सिचुएशन में कि क्या हो रहा है कि यस की ऐसे ऐसे हुआ एंड यस की उसने बोला कि मैं, एक तो उसने बोला कि मैं चुपचाप चला जाऊंगा, ठीक? तो बीइंग अ सीईओ क्या ये सही है कि लाइक मैं चुपचाप चला जाऊंगा और मैं एक ऐसी स्टेटमेंट दे दूंगा जो कि किसी और के ऊपर ब्लेम कर दूंगा? नहीं, ठीक। तो मैं अपनी बीइंग अ सीनियर पर्सन मैं ही एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट कि अगर एक लीडर ऐसे करेगा, ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी दिखाएगा, तो टीम में वो एनवायरमेंट ऐसे रह जाएगा, कल्चर ही खराब हो जाएगा, राइट? अगेन लाइक हमारा जो है इसी में लेके हम ये कह रहे हैं कि बोर्ड रिपोर्ट में हम ऐसे बोल देंगे। तो एथिकल मैटर्स क्या कहते हैं कि बोर्ड रिपोर्ट में सब कुछ सच सच होना चाहिए, लाइक क्लैरिटी, सच, ट्रूथफुलनेस, कंसील नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा बोल सकते हैं? अगेन अगर ये एक्सीडेंट हो जाता है, हुआ है, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है? मेरी रेपुटेशन इशू इफेक्ट हो सकती है, क्यों? क्योंकि आज हुआ एंड पहले ही ऑलरेडी मेरे साथ ये चल रहा था, इश्यू चल रहा था, एंड अगर ये बात बाहर आ गई तो लाइक बहुत ज्यादा रेपुटेशन कंसर्न होंगे एंड अगेन इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, ठीक? अगेन मेरा जो लाइक रेपुटेशन जो ये है कि मैं अपने प्रोटेस्टर को मिल ही नहीं रही हूँ, तो ये गलत है। मुझे उनसे सुनना चाहिए था, तब नहीं सुना, एटलीस्ट अब मैं मिल लेती, राइट? सो दैट इज रॉन्ग। अब मुझे उनको एड्रेस करना चाहिए था केस की, जो पहले हो गया कोई बात नहीं, अब हम ध्यान रखेंगे, ऐसा इवेंट नहीं होने देंगे। तो दिस दिस इज द बेस्ट एटीट्यूड, इससे पहले किसी और से पता चले उन्हें, करेक्ट? ऐसा कुछ बोल सकते हैं? एंड अगेन वो हेल्थ एंड सेफ्टी वाला डिपार्टमेंट वाला पर्सन है, उसको उससे मेरा कोई लिंक नहीं है, मैं मुझे ये पता ही नहीं है कि वो कब आ रहा है। वही वाला पॉइंट हमने ले लिया कि इसकी वो कब आ रहा है, वो है या नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। फाइन, हाँ जी, यस मैम, एनीथिंग एनीथिंग गाइस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज
अ ब्रीफिंग पेपर फॉर सीसी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग एडवाइजिंग द बोर्ड एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ सेपरेट रिस्क कमेटी. तो सेपरेट रिस्क कमेटी के क्या बेनिफिट होते हैं? अब ये तो बहुत इजी है, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता. मैम मोर टाइम कैन बी गिवन, यस, आई मीन देखो अब इसको ना क्वेश्चन से लिंक करते हुए जाते हैं. वैसे मोर टाइम कैन बी गिवन. तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि सेपरेट कमेटी नहीं थी. ऑलरेडी हमने देखा कि हमारे पास रिस्क वाला सिनेरियो था, हमें पता ही नहीं चला कि ये ऐसा कुछ हो गया है. तो रिस्क कमेटी होगी तो वो देखेगी कि कंपनी के ऊपर कौन कौन सा रिस्क प्रिवेल कर सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है या नहीं ये देख सकते हैं. अगेन रिस्क कमेटी होती है तो हमें पता है कि कमेटी में एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों होते हैं. तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रूटीन रेकरिंग एक्टिविटीज को देखेंगे जिससे कि उनको ऑपरेशंस के बारे में पता चलेगा, जो कि अगेन केली ऑडिट कमेटी है तो वो नहीं पता चल पाएगी. रिस्क कमेटी होगी तो मेरे शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि यस वी हैव अ सेपरेट कमेटी एंड हम ऐसे रिस्की मैटर्स पे कॉम्युनिकेट कर पाएंगे कि दिस काइंड ऑफ मैटर्स कुड अराइज एंड हमें उसको कैसे डील करना है. रिस्क कमेटी रिस्क का मैग्नीट्यूड चेक कर लेती रहती है, जैसे कि तारा मॉडल हमने वो देखा था. वो रिस्क मैनेजर को अपॉइंट करती है जो कि रिस्क को डील करता है. यस यस मैम हो गया सारा. यस मैम मैम मोर रिस्क कैन बी वाज कवर्ड इट यस कि वो रिस्क को डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क को वो कंसीडर कर सकते हैं. आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो. तो एनीथिंग विच यू फील डिफिकल्ट इन दिस क्वेश्चन? वैसे तो असली डिफिकल्टी लिखने पे आएगी. यस एनीथिंग. मैम. वो फर्स्ट टास्क था ना फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, वो मुझे ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था. बाकी तो ऐसे एग्जिबिट से लिंक करके लिख सकते हैं वैसे क्योंकि हम. वो था प्री सीन में से, तो जब प्री सीन में से इंफॉर्मेशन आ जाती है ना तो हमें थोड़ा सा ढूंढने में, क्योंकि आपने वो पहले पढ़ा होता है, ये अभी आपने पढ़ा मेरे साथ, वो पहले पढ़ा तो वो कुछ तो हम भूल जाते हैं. इसलिए आपको क्या मैंने बोला था कि प्री सीन के की पॉइंटर्स आप लिख लो. अब आप लोगों ने ट्राई करो, अगर आप लोग कल तक लिख सकते हो, कल शाम तक लिख सकते हो तो हम लाइक परसों ये डिस्कस कर लेंगे, परसों क्लास रख लेंगे, नहीं तो हम क्लास मंडे रखेंगे. मैम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा प्रीसेंट रेट करके है? नेक्स्ट यश चिन में, गाइस कैन यू टेल मी दैट विच क्वेश्चन वी हैव नॉट कवर्ड? आई गेस स्मार्टवेयर भी नहीं किया हमने. हाँ मैम बस वही बचा हुआ है. ओके सो वी कैन डू स्मार्टवेयर क्वेश्चन. ओके युक्ता दैट्स फाइन. मंडे मंडे इज फाइन. सी मैं तो वैसे ये 2 दिन बहुत ज्यादा बिजी हूँ, बट या कंसीडरिंग दैट यू गाइज आर वर्किंग तो मैं इसलिए सैटरडे संडे का ऑप्शन देती हूँ. सो ठीक है, लाइक कल रात या परसों सुबह तक आप लिख लेना सो दैट आई कैन हैव अ लुक ऑन योर आंसर्स. ओके मैम. ओके एनीथिंग एल्स? मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मार्टवेयर राइट? या स्मार्टवेयर. ओके ओके गाइस देन थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम.